कैसा है भाई? बढ़िया। लात नहीं मार सके तो कह रहा चला जाए यहाँ से, बहुत ही मारन का सब्जी खेल रहा है। क्या क्या आप हमें तो दिखा ना, पता ना कहाँ है अंग्रेजों की हवा में देखे ऊपर दिख रहा क्या ना दिख रहा। सो गाइस, अंदर जाने के लिए आपको एक गुफा पार करनी पड़ेगी भाई। हम तो कर लिया हमने लड़ झगड़ के हमने। सो गाइस, जैसे छोटे छोटे आले हैं, बता मैं कि रानी ऐसे देख ही रही है अपने उन्हें सोहर है, और मतलब कुछ उनकी रहती होंगी कुछ देखने दाखने की। सो गाइस, वेलकम है भाई न्यू वीडियो में, और डे हो ही हमारा, वेलकम है न्यू वीडियो में। और हमारा एग्जिट करने का ऐसे टाइम चल रही है भाई, सब चीज़ अपना अभी तो अभी मतलब आराम ही कराया हमने, वो वीडियो जहाँ से एंड करी थी उसके थोड़ी सी देर बाद आराम वराम करके तो अब चल रहे हैं। 10:30 हो गए हैं भाई, तो चलते हैं सही टाइम पे अपने। 9 बजे हमने एंट्री कर दी थी यहाँ पे, तो उस वाली वीडियो में आपने देख लिया हो, उससे पहली वाली वीडियो में, और अब टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही पड़ रही होगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं भाई, ये हमने रख टांग लिया बैग है बोतल। अच्छा, सो गाइस ये रूम है, रूम की। तो भाई करते हैं हम यहाँ से एग्जिट और अब जा रहे हैं। टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, तो जब भी भाई आ रहा है पहले कुछ खाने की व्यवस्था करनी है अपनी, क्योंकि खाया है नहीं अभी, बस केशव की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी तो इस वजह से इसे थम्सअप लेके आया था, इसे गैस बन रही थी, क्योंकि वो ये ना नई नई जगह आए हैं तो थोड़ी हो जाती है ऐसे घबराहट भाई, इसमें कोई नई बात है ना। कल मैं घबरा रहा, आज ये अब वैसे सही है भाई, कोल्ड ड्रिंक पिया थी तो अब थोड़ा आराम है इसे। तो अब चल रहे हैं यहाँ से, निकल रहे हैं और देख लेंगे अब कुछ ज़्यादा गैस मतलब ऐसा कुछ खाना नहीं है जिससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी आगे लंबा सफ़र है। सो गाइस, खाना खाने के लिए आ गए हैं, भूख लग रही है बहुत तेज। खा ले, देख ले मेन्यू क्या क्या है। तो भाई देखते हैं खाना में क्या क्या है, कोई अच्छी सी चीज़ हो, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर है काम दूजा, फिर अपना निकलते हैं जहाँ के लिए हमें जाना है, जहाँ के लिए हमें पहुँचना है, सफ़र हमारा लॉन्ग सफ़र। तो अभी पहले पेट पूजा कर लें, दादा हमारे चेक करें। और भाई सच में ऐसा लग रहा राजस्थान में धूप ऐसी चिलचिला दी, तमाचे मार रही है मुंह पे। तो भाई हमारा मेन्यू है, पहले खाने की टेस्टिंग वो मतलब चेक कर लें कि क्या क्या खाना है हमें, क्या क्या वो करना है, फिर आपको बताते हैं दिखाते हैं क्या खा रहे हैं हम, भूख के जाएंगे। सो गाइस, खाना आ गया है हमारा भाई, और अभी मिक्स वेज और मंगाइए वो आ रही है हमारी, तो उसे खाते हैं और फिर भाई निकलते हैं यहाँ से, पहले जल्दी जल्दी अपनी पेट पूजा कर लें। वैसे सही लग रहा खाना तो देखने में, दादा नई नई जगह भाई, सब चीज़ नहीं हूँ मैं, और ख़ासकर हम जैसे ही क्या पहली बार तो नहीं है। कढ़ाई पनीर खा लो। सो गाइस, कढ़ाई पनीर है, शाही पनीर ना, कढ़ाई पनीर बोला, कढ़ाई पनीर खा लो भाई, खा लो। फिलहाल तो दादा की सेवा चल रही है अभी, दादा हमारे कानून से भी लंबे हाँ। सो गाइस, खा ले पहले, मुंह में पानी आ रहा, पहले खा लें जब मिलेंगे भाई। सो गाइस, अब जा रहे हैं बस की तरफ को, ये भाई ऊँट है हमारा। हाय ऊँट, कैसा है भाई? बढ़िया। राजस्थान के वहां में रेगिस्तान में पहुंच गए हम, आग बरस रही है बिल्कुल, रेपटे से पड़ रही है। हमारे दादा ने तो साफ ही पहन रखी है, हमारे बैग में भी रखी है साफ ही, पर ये फिर गोप्रो भी पकड़ना है तो इस वजह से यार थोड़ा वैसा हो जाता है। खैर, अब बस आ रही है, बस में जा रहे हैं हम भाई, कैमरे मैन देखते हैं कहां। सो गाइस, बैठ गए अपनी बस में, और बैग में वजन ज्यादा है तो इस वजह से ऊपर रख नहीं सकते, मेरा ना पाएगा, मेरा ज्यादा मोटा है, कभी और मूर्ति टूट जाए तो तेरे में वैसी मूर्ति ना है ना मेरे में है। सो गाइस, हमारा सफर रहता है, बता दे आपको, सस्पेंस में बहुत रह लिया। अब जयपुर जा रहे हैं भाई हम, मैं दादा, और देखते हैं हमारे जयपुर में कैसा डे निकलता है, कैसा है, क्योंकि अभी तो जाके हमें बहुत कुछ करना है, अभी जाके तो अभी तो स्टार्टिंग है अपनी,
गाइस बस से उतर गए भाई, बस हमने कर दी है एग्जिट। और अब सिकंजी पीने क्योंकि दादा की तबीयत हो रही है डाउन डाउन ना कहीं डाउन हो रही है। भाई को रस्ते में वोमिटिंग भी हो गई थी, वोमिटिंग। तो अब भाई पहले यहाँ पे सिकंजी पीते हैं, इसका थोड़ा मन सा वैसा करवा दो ठीक सा, एक सेकंड। फिर उसके बाद देखते हैं कि रूम वूम मिल जाए, फिर रूम या फिर वो देखेंगे बाइक वाइक, कोई रेंट पर बाइक मिलती है, बाइक मिल जाए तो भाई हमारा सिकंजी बनाया बढ़िया से है। तो रेंट पे देखते हैं और पबजी लगा रहा, पबजी खेल रहा है। रूम कितनी दूर मिल जाएंगे भाई? रूम आगे 50 आगे हैं तो भाई आगे बता रहा, आगे चेक करते हैं, पहले सिकंजी पी लें। सो गाइस रूम भाई हमें मिल गया है, रूम हमने देख लिया है, काम चला हुआ है। और कोई मिल नहीं रहा था आसपास तो भाई ये ले लिया है, और क्योंकि ये इसलिए ले आया आसपास इसके जो मतलब जहाँ में जाना है तो वो पास में ही है जगह। अभी दादा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है तो इस वजह से वो थोड़ा अभी रेस्ट करेगा, रेस्ट करने के लिए रुके हैं अभी यहाँ पे, तो थोड़ा रेस्ट कर लेगा, फिर उसके बाद हम चलते हैं घूमने के लिए शाम वाम को। अभी थोड़ा आराम कर लें क्योंकि मुझे लगा उसने जो खाना वाना खा लिया है बाहर का तो उस वजह से उसके गैस बन गई ज़्यादा, थोड़ा पेट में मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से भाई अभी वो फ्रेश होने गया है तो आता है तो आराम कर लेते हैं इतने, फिर उसके बाद भाई चलते हैं निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको कि कहाँ जाना है हमें। अभी तो भाई पहले इसकी तबीयत ठीक हो जाए, तबीयत वैसे थी वैसे तो सब ठीक है, बस थोड़ा गैस बन गया तो मन वैसा हो रहा भावुक सा। भाई हमारे आ गए ठीक है तबीयत, तो भाई करते हैं आराम अभी, फिर मिलते हैं, देखते हैं कहाँ का प्रोग्राम बनता है पहले हमारा, दिखाते हैं और आपको। सरप्राइज निकल गए भाई रूम से, अपना रूम कर दिया हमने एग्जिट, वैसे वाला एग्जिट नहीं कराया, बस घूमने के लिए जा रहे हैं कभी आप एग्जिट। और ये हमारा जयपुर है, अभी हाथी मेरा साथी देगा था पास, यहाँ मानना गया कभी हमें ठा के फेंक दे दादा लुका दे, प्रिंस कहाँ प्रिंस पता पड़ी हवा में टकरा ऊपर। और दादा की हमारे की अपने थोड़ी ठीक है, और ट्रिप का सफर ले रहे हैं भाई, स्कूटी थी जो मतलब टैक्स पे रेंट पे स्कूटी मिलती है एक दिन 24 घंटे के लिए, उसे सोच रहे हैं कल ले लेंगे क्योंकि अभी तो एक दो होटल ही देख पाए, मतलब एक दो जगह ही जा पाएंगे, अब तो वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, फिर बंद होने का टाइम हो जाएगा, फिर स्कूटी लेने का कोई फ़ायदा ना, पैसे फालतू जाएंगे, तो कल लेते हैं, कल अपना देखते हैं यहाँ क्या होगा आगे। सो गाइस ये सारा पिंक सिटी है जितना चल रहा है, बहुत चीज़ों से मतलब सारे में पिंक कलर के हैं, गेट ही गेट हैं। भैया बता रहे थे ट्री वाले भैया, सारा भाई पिंक ही पिंक है जितना भी है, दोनों साइड है ऐसे मिला है, तो ये सब पिंक सिटी होता है। सो गाइस आ गए हैं भाई अपनी लोकेशन पे, हवा महल देख रहे हैं, पहले सबसे पहले हवा महल है हमारा, ये गेट है बाहर भी उस साइड है जो मतलब आपने देखा हो वीडियो में, वो वाला गेट इधर से है ऐसे इधर से जाना पड़ेगा, पर ये एंट्री वाला गेट है तो इस वजह से इधर से जाना है, वो ट्री वाले भैया हमें छोड़ के तो यहाँ से जाएंगे और जब एंट्री एग्जिट करेंगे बाहर जब दिखा देंगे आपको कैसा है। हवा महल तो भाई अपना हवा महल देख लो, हवा में टंग रहा है ऊपर, दिख नहीं रहा आपको बाहर देखो वहाँ हो रहा तो फिर हवा महल है ना इसका नाम, अंग्रेजन भी तो दिख गया क्या आप हमें तो दिखा ना, पता ना कहाँ है हवा में देखो ऊपर दिख रहा क्या ना दिख रहा, ये रहा टिकट में ना जमीन में है ले जमीन में। सो गाइस अब टिकट विकेट का देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता, नए जमाने के लड़के हम और अनजान लड़के, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा महल है, दादा का भी एक महल बनवा देंगे कोई दिक्कत ना है दादा की। तो सही उदयपुर में महल है हमारे तो, अरे हाँ दादा के उदयपुर में महल है भाई, दादा ने बनवाया उदयपुर में महल। सब गाइस टिकट ले रहे हैं भाई अपना, सब गाइस टिकट ले रहे हैं, ये कट गई हमारी रसीद दोनों के दादा, कभी पता पड़ी मैं बाहर भगा दी लात मार के, ये तुम्हारी तो कटी ना है, तो लिख रहे हैं क्वांटिटी दो है, क्वांटिटी किलोग्राम ना लिख रही। सो गाइस यहाँ करे भाई ये रास्ता,
यहाँ पर एंट्रेंस है। इधर कर भी चलो, इधर उधर कर या इधर कर। और भाई देख के चढ़ना है, हवा महल है, शायद हवा में उड़ जा। कैसा लगा मेरा मजाक? हमें नॉलेज उड़ सकता है, हवा महल है ना। दादा वहाँ पानी की बोतल ना ली। So guys, भाई ये है हवा महल की एंट्री भाई, फर्स्ट लुक। अभी अंदर जा रहे हैं भाई। वीडियो शायद बड़ी हो जाएगी तो पार्ट में कर दूंगा, अगर ज्यादा बड़ी होगी तो। गाइस अंदर जाने के लिए आपको एक गुफा पार करनी पड़ेगी भाई। हम तो कर लिए हमने, लड़ झगड़ के हमने ऐसे कब्जा मार के गुफा पार करी है। और भाई ऊपर का व्यू है, ऊपर बहुत गर्मी हो रही है, वैसे व्यू तो गलत है। दादा हमारे छींक आ रही है, दादा चल कमरा, छींक ज्यादा रहा, छींक छींक कर रहा है, कुछ देखा देगा दादा नहीं। सो गाइस जैसे छोटे छोटे आले हैं, बता मैं कि रानी ऐसे देख ही रही है अपने उन्हें सोहर है, और मतलब कुछ उनकी रहती होंगी कुछ देखने दाखने की चीज, तो ऐसे इनसे देख ही रही भाई। हाँ ताक जाक रानी हमारी पुराने जमाने की जैसे लग रही है भाई, पुराने जमाने की भी अलग कलाकार है भाई। दादा हमारे खोलने, अब दादा ताक जाक करेंगे, ये दादा ताक जाक करते रानी होगा, रानी इनका चला गया हमारे दादा ने, छोटे छोटे नहीं है इसमें ये, इनकी वजह से भाई हवा महल बोला जाता है इनकी वजह से। पर ये सब वो है ही देखने की, रानी जी की हमारी जी की। कमेंट में बताओ भाई कैसा लग रहा है हवा महल आपको? बढ़िया लग रहा है, जिसने देखा नहीं है, जिसने मतलब आया नहीं है, जो हमने उसे दिखा दिया कैसा है। तो बताओ भाई कैसा लगा आप हवा महल, और अभी दिखाते हैं ऊपर से, ऊपर वहाँ जाके, ऊपर जाके व्यू कैसा आता है। धूप हो रही है बहुत तेज, मैं ऐसे घर हूँ, मैं घर तो नहीं ढह जा, पर ये इनका ध्यान रखा जावे तो इस वजह से है भाई। पर पहले ज़माने की बात ही अलग ही यार। किधर कर चलना दादा, किधर कर भी चल ले, ए सी लग रहा भाई महल। पुराने ज़माने में भी महाराजा ए सी लगवा के रह गए, हम ही रह लाए से जिन्हें ए सी ना पता। गजब बेइज्जती है। सो गाइस ये हो भाई ऊपर का व्यू। अभी तो ऊपर नहीं चढ़े, यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर और जाके देखते हैं क्या दिखता है वहाँ से। भाई ये है अपना हवा महल, सारा देखो, सारा दिखा दिया तो कैसा है, कुछ नहीं है, बस इन मकानियों के जो है देखने के छोटे छोटे से कपाट, जिनसे वो महाराजों को जिसको भी देखती हो मतलब देखने के, जिससे मतलब वो तो सभी देखें पर उनको कोई ना देख पाए, जो वैसे कहते हैं बताते हैं। सो गाइस ये भाई ऊपर का, सबसे ऊपर का टॉप का फ्लोर हवा महल का, ऊपर चढ़ जाऊंगा उस पट्टे पर बैठ जाऊंगा। तो भाई ये है देखो, इतने छोटे छोटे से इनमें सुरानी जी या जो भी है बंद हो रहे हैं। देखो ये देखो मैं ऐसे भाई देखती हूँ, बहुत बड़ी बात है ऐसे उसे देखना सारे लोगों से, कि मतलब वे तो उन्हें तो कोई ना देगा पर वो सारे देख रहे हैं भाई। बढ़िया है सब चीज़, बढ़िया है। बस यही है कि पुरानी संस्कृति मतलब हमारे उसमें क्या क्या था पहले महलों में और इन सब में, कि मतलब क्या क्या था, कैसे कैसे रानी जी या ये सब अपना जीवन काटती थी। तो भाई ये प्राचीन मतलब बहुत पुरानी मूर्ति मंजीरा, सत्रहवीं शताब्दी म्यूजिक एंड डांस, गाना बजाने की नृत्य नृत्य बजाती हुई कलाकार है सब। सो गाइस ये हवा महल की भाई बाहर की लुक,
एग्जिट वैसे उधर से ही था, पर ये हम आपको बाहर के लुक दिखाने के लिए लाए हैं। यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है, यहाँ से बस ये लुक दिखाने के लिए बाहर से। वैसे बढ़िया था, ऐसा नहीं था कि हाँ कोई वैसी है, पर ठीक था, दिल खुश हो गया अपना। सो गाइस यहाँ से कर रहे हैं अब एग्जिट भाई, कर रहे हैं हवा महल को टाटा बाय बाय, और अब देखते हैं आगे का प्लान क्या है भाई। तो भाई पानी पीते हैं और अब करते हैं इस वीडियो का ही एंड, आगे वीडियो में दिखाते हैं आपको आगे कहाँ जाते हैं, क्योंकि वीडियो हो गई बहुत लंबी। तो अब करते हैं इस वीडियो का ही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना अपना ध्यान रखो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो, महल अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना कैसा लगा महल आपको, और भाई सीरीज़ में बने रहो और कमेंट करके बताते रहो सारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको, और भाई स्टे कनेक्टेड। व्लॉग बढ़िया आ रहे हैं सारे, जितनी कोशिश हो रही है बढ़िया बना रहे हैं, और बताना भाई कमेंट में कि आपको वीडियो सारी कैसी लग रही हैं। होपफुली अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने भाई कनेक्ट रहो और अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो। ओके भाई, बाय, टाटा।